डीजल है और गौमूत्र है, हम छिड़कते हैं आप। हरि ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था गो भी वा उनका नाम खुशबू बानो था जो अब बदल गया है। रहने वाली संत रविदास नगर के गांव भदोही गोदना सूफी नगर की हैं। उन्हें बरेली में भोजीपुरा के गांव पीपलसाना चौधरी के विशाल सागर से प्रेम हो गया। उसके लिए वो अपने घर वालों को छोड़ आई। विवाह से पहले उनका मणिनाथ के अगस्त मुनि आश्रम में शुद्धिकरण हुआ। जब उन पर गंगा जल और गौमूत्र छिड़का जा रहा था तो उनके एक्सप्रेशन देखिए। हम आप दोनों लोगों का पवित्रीकरण कराने जा रहे हैं, ये इसमें गंगा जल है और गौमूत्र है, हम छिड़कते हैं आप लोगों पर। हरि ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था गतो भी वा। आचार्य पंडित के शंखधार उन्हें गंगा जल ग्रहण करने के लिए दे रहे थे तो नानुकुर करने लगी, कहने लगी क्या फर्क पड़ता है, जाने दीजिए। खैर उनका पवित्रीकरण हो गया, वो मुस्लिम धर्म से वापस हिंदू धर्म में लौट आई हैं। पहले उनका ये अंदाज देखिए, फिर आपको बताएंगे कि उनका नया नाम क्या है और उन्होंने किससे जान का खतरा जताकर सुरक्षा मांगी है। हम आप दोनों लोगों का पवित्रीकरण कराने जा रहे हैं, ये इसमें गंगा जल है और गौमूत्र है, हम छिड़कते हैं आप लोगों पर। हरि ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था गतो भी वा यह स्मृत पुंडरी काक्षम सवाभ्यंतर शुचि। ये तीन बार अपने पहले हाथ धो लीजिए, ऋषिकेशाय गोविंदाय हाथ धो लीजिए इसे, ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। अभी तीन बार पीना है, सीधे हाथ को ऊपर लो। अरे पियो तो इसे, जरूरी है। हाँ जल पीना होता है, शुद्धिकरण होता है, आत्मशुद्धि होती है। अरे पियो, ओम माधवाय नमः। हाई स्कूल की मार्कशीट के मुताबिक खुशबू बानो बालिग हैं। अब उनके नाम के आगे से बानो हट गया है, महज खुशबू कहलाएंगी। उनकी तरफ से एसएसपी और भोजीपुरा के प्रभारी निरीक्षक को पत्र भेजा गया है जिसमें उन्होंने अपने घर वालों से ऑनर किलिंग का खतरा जताते हुए अपने लिए पति और ससुराल वालों के लिए सुरक्षा मांगी है।